हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल टेक्निकल इंडिया में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट द टोटल परसेंटेज ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड बीटेक, यानी कि डिप्लोमा और बीटेक का टोटल यानी एग्रीगेट हम किस तरह उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, डिप्लोमा ये 3 साल का कोर्स होता है, तो ओवरऑल परसेंटेज तो बनेगी बच्चों की, वो किस तरह बनती है। देखिए, स्टेप वन जो होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में होते हैं उसमें जो 25% मार्क्स लेना पड़ता है, जितने ऑप्टेन मार्क्स हुए हैं उसके आपको 25% मार्क्स लेने होंगे। इसी तरह स्टेप टू में सेकेंड ईयर में से 50% मार्क्स लेने होंगे, और स्टेप थ्री थर्ड ईयर में से जो ऑप्टेन मार्क्स होंगे वो आपको 100% लेने पड़ेंगे। ये स्टेप फोर जो ही बीटेक के लिए आपको बाद में बताऊँगा, इसे ही मत दीजिए। 3 स्टेप लेने पड़ेंगे, फर्स्ट ईयर में 25% लेना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में 50% और थर्ड ईयर में 100% जो हमें ऑप्टेन मार्क्स हुए हैं। उसके बाद इन सबको ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा 25% 50% 100% लिया है 1000 का, उनको ऐड करने के बाद 1000 से भी 25, 50, 100% हम ले लेंगे और उसको टोटल मार्क्स से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी परसेंटेज निकल जाएगी। अब इसको मैं अभी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा जो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, माना कि फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स थे 700 out of 1000, उसके में आपको 25% लेना है, तो 25% 700 के होंगे 175 नंबर, इसके 25% होंगे 175 नंबर। सेकंड ईयर में आया है आपके 780 मार्क्स 1000 में से, तो ऑप्टेन मार्क्स के 50% लेने हैं, 780 के होंगे आपके 390 मार्क्स। इसी तरह थर्ड ईयर में टोटल मार्क्स आए आपके 750 out of 1000, तो इसमें जो थर्ड ईयर में आपको पूरा 100% लेना पड़ेगा, तो इसके 100% 750 ही लेने पड़ेंगे। उसके बाद इन सब नंबरों को ऐड करना पड़ेगा, वी ऐड ऑल दीज नंबर्स। ऑप्टेन मार्क्स हमारे कौन कौन से थे, 25% 175, ठीक है, ये हो गया। सेकंड ईयर के 50% कितने थे, 390, ये ऐड कर लिया। उसके बाद थर्ड ईयर में कितने थे, 750, आपने वो ऐड कर लिए 750। ऑप्टेन मार्क्स जो आपके आ गए वो आए 1315 प्लस करने के बाद, ठीक है। अब मैक्सिमम मार्क्स, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे, 1000 का 25% कितना होगा, 250, 1000 का 50% कितना होगा, 500, और 1000 का 100% कितना होगा, 1000, इनको भी ऐड कर लेंगे। ये आ गया आपके मैक्सिमम मार्क्स 1750। अब परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स। ऑप्टेन मार्क्स कितने थे आपके, 1315, ये 1315 आपने ले लिए, डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन आपने लगा दिया। उसका मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 1750, 1315 डिवाइडेड बाय 1750, उसके बाद आपका आएगा ये 0.7514, उसको आप इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो परसेंटेज निकल जाएगी तीनों साल की, वो आएगी 75.14, यानी कि आपकी जो फाइनल ईयर की जो बात जो परसेंटेज बनेगी जो आपकी मार्कशीट पे आएगी वो 75.14 बनेगी। इसी तरह बीटेक में क्या हो रहा है, बीटेक में आपको स्टेप फर्स्ट में 25% जो लेना है आपको फर्स्ट ईयर में से लेंगे, सेकेंड ईयर में से 50% लेंगे, और थर्ड में से 100 नहीं लेना आपको, 100 की जगह आपको 75 लेना पड़ता है, ठीक है, थर्ड ईयर में 75 और स्टेप फोर में 100%, ठीक है। इसी तरह पूरा ओवरऑल यही प्रोसेस है, यानी 25% 50% और उसके लिए 75% थर्ड ईयर में, और फोर्थ में 100%। उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स का फॉर्मूला कर देंगे सम 25, 50, 75, 100, फिर मैक्सिमम मार्क्स कर देंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे ऑप्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।